channel. Hi guys, welcome back to our channel, welcome to Elisha Vlogs. तो हम यहाँ सुबह सुबह क्यों रुके हैं? Guys, हम निकल चुके हैं ऑलरेडी. गाइज हमने कर दिखाया और अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली और मुंबई. हमने कर दिखाया तो हम करनाल का सफर हमारा यहीं तक था. अब हम यहाँ से निकल रहे हैं. मैं तो दिख ही नहीं रहा. दिख रही हो भाई? दिख रही हो सही लग रहा है ना? ग्रीनरी. सो नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू होम फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, फ्रॉम करनाल टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई. बुद्धू की क्या बात है इसमें? अरे बेटे के पास जाएंगे, अपने अपने बच्चों के पास जा रहे हैं वापस. और क्या, जय काम रहेगा. और क्या भाई, पता है एक सीन हुआ कल. क्या कल क्या हुआ? क्या हुआ? इसकी जो फ्रेंड है प्रांजलि, हाँ, वो ऑस्कर के साथ बाहर बंद हो गई बिना चाबी के. बाहर बंद हो, मतलब चाबी लेके नहीं गया, घर बंद हो गया. बाहर पता है किसी को, कोई बाहर बंद हो गया. गाड़ी में बैठे हैं और निकले फिर यहाँ से. हाँ, गाड़ी में बैठे. अच्छा, HR की गाड़ी में क्या बैटरी? दिमाग है कि नहीं है? माड़ा मोटा नहीं है, एकदम स्लिम ट्री में. स्लिम ट्री में दोनों है. हम रुके हैं हवेली पे खाना खाने. वी आर सो एक्सपेंसिव, हमारी तरह हमारा खाना भी एक्सपेंसिव. हम छोटी मोटी जगह बिल्कुल नहीं रुकते, हम सीधा हवेलियों में खाना खाने आते हैं. और जो एक्चुअली ना, जब से हम आए हैं और 3-4 दिन से हम ये देख रहे हैं कि कीर्ति को इडली इतनी पसंद है, कि हर जगह जाके इडली खानी है उसे. और यहाँ पे उसको 4 इडलियों की जगह 2 ही इडली मिली है, और वो भी प्रेग्नेंट. और इसका मुंह देखो, वो भी खराब. इसका हो गया मुंह खराब. अब ये लाइव में निकाल दिया, मतलब मुंह से निकाला, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल की है. क्या हुआ भाई? बता तो सही, मत रख भाई. बता तो सही क्या हुआ? क्या हुआ बोल? कोई पड़ी है, कच्ची है, कच्ची है, स्मेल आ रही है. अब मटेरियल खराब हो चुका, कच्ची हो गई. भैया प्लेन थी भैया, ये तो खराब है, स्मेल आ रही है इसमें. किस में? इडली में. हमारे तो चेक कर देता हूं मैं, करवा दूं. ये आंटी ने फ्रिज से निकाल के मेरे सामने कर दी. कुछ भी फ्रेश नहीं है. सुबह सुबह करेले मिलेंगे तेरे को बने हुए, देखो ऐसी बातें कर रही है. सच्चो सब्जी तो बना के दे कम से कम. उसने लिटरली मेरे सामने फ्रिज से निकाला और मामा गरम कर रहे थे, मैं बोला कुछ और गरम कर रही है. मुंदर के यही मिला. आई ना रे, हां कैसा लग रहा हवेली आके? हां हवेली वाली फीलिंग ना दे रही हमें. या मैं हवेली वाली फीलिंग ना दे रहा है कभी. हवेली पे जय माता दी. और बुराई कर लेंगे खाने की. भैया वो तो मम्मी दे दो कम से कम. और इसने क्या मंगाया? मटर कुलचे. भाई साहब अभी देखो, अब देख देखते हैं कैसा आएगा वो. अच्छा, जिस तरीके के हालात है ना, ऐसे ठीक है. जिस तरीके के हालात लग रहे हैं गाइस, हमें कोई भी खाना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है. तो आज ही ज्यादा खबर बोल रही हूँ मैं. आज की ताजा खबर, ताज़ा खबर यह है कि हवेली में कुछ भी अच्छा नहीं है. हवेली सिर्फ नाम ही अच्छा है. क्या है? छप्पा. धब्बा. मीट आवर बेबी ईवी शर्मा. शी इज लाइक ओ माई गॉड, आई गॉट समथिंग. हम लिटरली सारा खाना छोड़ गए हैं. हमें निकलना है, हमें लेट हो रहा है. तो हमें यहाँ पे बहुत ही प्यारी चीज मिली है, वो है ये झूला. और अचल फन भूत, आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा कि जब ये बैंगलोर एयरपोर्ट गई थी तो वहाँ पे इसको मिला था. बिल्कुल, हमारे जो साथ वाले लोग हैं हमें. बिल्कुल बोलेंगे, अभी तक कुछ और था. और ये लड़की, मैं सारा सामान लेके घूमती हुई, इधर बैग, मेरी जैकेट, सब अपने पास लटका के घूम रही है. अरे अच्छा,
वहाँ पे वहाँ साड़ी भी है जूती भी कुर्ते भी है क्या? वही बोल रहा मैं। और रुक 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 क्या आई है क्या? आई नहीं अभी तक, वो आई नहीं वॉशरूम में। हम लोग ऑल ऑफ सडन हमें ऐसा लगा कि हमें शॉपिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि किसी को हमारे में से शादी में जाना है और विद इन आई गेस दिखा सकते हैं। हाँ, और विद इन 5 या 10 मिनट्स आई गेस हुए हम लोग शॉपिंग कर चुके हैं। 2 मिनट में तो सामान उठाया था। ये देखो शॉपिंग हो चुकी है, जिसको जाना है वो रेडी भी हो चुकी है, गाड़ी में बैठ के मेकअप हो जाएगा। क्या अबे चल ले यार। यहाँ मेरे को गिफ्ट्स मिले हैं गाइस, थैंक यू। कीर्ति ने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं। सारी गिफ्ट कर ये मैंने मौके का फायदा उठा लिया। मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ। कीर्ति ने कहा था जो तेरे को चाहिए वो ले ले। मैंने कहा ठीक है तनिष्क चलते हैं फिर। तब हम तनिष्क जा रहे हैं, हमारी इच्छा दीदी के लिए हार खरीद, 9 लाख का हार खरीदेंगे। नवरानी नवरानी इन गाड़ी को बोल दो आ जाए। इन वालों का ना नया नवरानी आया है, कल्याण ज्वेलर्स। गाइस यहाँ पे मुद्दे चल रहे हैं कि गाड़ी का कितना हुआ है और हम आ चुके हैं दिल्ली की सड़कों पे। ये देखिए दिल्ली के घर और ये देखिए घबराइए, आप दिल्ली में हैं, कैसा लग रहा है दिल्ली पहुँच के नानू को? काय घबरा रही हो? हाँ घबरा रही नहीं जरा, हमने पापड़ खाए। हम तुम्हारे शहर में हमारे शहर में आई गाइस, ये गाइस ये हमारे शहर में है, मतलब आप लोगों के शहर में है, घुमा दो यार नानू को। तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी डाल दूँ क्या? पर आप लेट देखोगे यार ब्लॉग, यार यूँ नहीं एक दिन पहले देख लेते। आओ यार पास्ट में आओ। मेरा 250 पर किलोमीटर 250 का वो रहता है। मेरा 250 रुपए पर किलोमीटर। 250 किलोमीटर चलवा सकते हो आप गाड़ी, मुझे कोई परेशानी नहीं। 450 आप उसमें टोल बोल सब कुछ उसमें। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अभी हम। एक्चुअली अब हम जा रहे हैं कीर्ति के घर, हम वहाँ से तो आ गए जैसे आपको बोला, अब दिल्ली में कीर्ति के घर जा रहे हैं और उसके बाद हम निकलेंगे अपने रास्ते, अपने अपने रास्ते सब उड़ लेंगे। 4:30 तक अच्छी बात है, मस्ती करेंगे। हाँ नानू तुम बताओ क्या कहना चाहती हो इस बातों में? तुम मिर्च नानू का काम खाने पे फोकस है, वो कहने में खा लेती हूँ पहले, बाकी बातें बाद में। ओ गाइस कीर्ति की बाइक देख लो, ये इसी बाइक की स्टोरियां डल रही थी। कीर्ति का जो हम बोल रहे थे कीर्ति की गर्लफ्रेंड यही तो है, हो गया फेस रिवील। वो ये देखो दोनों बालक हमारे। गेट खोल दो यार, कहाँ से खोला गेट? इतनी खुशी इसको क्योंकि ये पैसिफिक मॉल के अलावा कहीं और नहीं जाती थी ना आज तक, तो ये पहली बार कहीं दिल्ली के इंदौर मॉल में आई है। इतनी खुशी नानू से बर्दाश्त नहीं हो रही। इतनी खुशी लेके आई गाइस कीर्ति, और यहाँ पे हमसे कोई और मिलने भी आने वाला है। कीर्ति अभी तक मिली नहीं है उनसे, तो देखते हैं कौन आता है। देख रहे हो गेम और हम है गेम जोन में। ये उसके 4 ओवर है। किसके? क्रिकेट के? चलो 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 आओ, हम जा रहे हैं गाइस गेम खेलने, पता नहीं कौन सा गेम है फिलहाल। तो निकालती हुई ब्रो।
यार इतना इतना ही गुस्सा निकाला है, 50 बने बस। वो आता नीचे गिर गया। यहाँ पे आधे से ज्यादा चीजें नहीं चल रही हैं, यहाँ पे टिकट्स भी नहीं निकल रही हैं और यहाँ पे आधे से ज्यादा चीजें चल भी नहीं रही हैं और मुझे ऐसे से जाना पड़ रहा है क्योंकि जो उस लड़की को हम दिखा नहीं सकते वो जानबूझ के कैमरे के पीछे आ जाती है और हमने ये दो जीते हैं। ये लो कैच। सरप्राइज इज हियर फाइनली। हाँ तुम्हारे दिल्ली में आए हैं हम जंगलों में ना कर लो भाई अगर योग लड़की हमारी सरप्राइज हमारा जो सरप्राइज था ऐसा आप लोगों के लिए दो और तो बस स्मैश ही बढ़ा दिया है यहीं से तो आई हूँ स्मैश में तो मैं वहीं तो कह रही स्मैश आना है। अच्छा मैं वहाँ स्मैश नहीं बढ़ा मैंने मैं यहाँ घुस गई यहाँ घुस के मैं एंड तक चली गई फिर एंड से वापस आ गई। वाओ गाइस हमारे गेम गेम अटक गए यार हमारे भैया आपकी भैया मशीन बार अटक गई है। गाइस जूस पिला दो मौसम्बी का ना घुसा दे इसमें जूस पिला दो मूड ऑफ है मेरा जूस पिला दो मौसम्बी का मूड खराब है। ये कितने सारे बच्चे ले लिया हमने देखो और ये सबसे फिट है जीत लिया इसने गाड़ी जीती है इसने चार मर्सिडीज नहीं ट्रक जीता। तो मैंने क्या जीता तुम भी दिखा दो सफारी ने जीता है उनके सात आठ गुड्डे पड़े हुए हैं गुड्डे उनके साथ घर भी खाएंगे ना घर चीनी भी देंगे गाइस बाय 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 पहला देख लो उनका भरा हुआ देख लो स्मैश वालों को सच में ये सोए स्मैश गाइस अब जा रहे हैं हवाई जहाज में हवाई जहाज की पंखुड़ी खुल गई। अरे पापा इस साइकिल की तो पंखुड़ी खुल गई यार आप लैटरिंग में हो क्या हो फिर अंदर हाँ बेबी हमने पत्ते खेलना नहीं छोड़ा है आज हम खेले हमने खेला उनो और ये तीन पत्ते ये लड़की हार गई दो बार बुरी तरीके से नहीं मतलब लास्ट वाले में भी लास्ट हारी थी दोनों गेम में हारी थी। हाय यार सिमरन की तो तुमने ले लिया है जब बिल्कुल ही मतलब डुबो डुबो के मार रहे हो बेचारी पहली बार मिल रही है तो कीर्ति के हर पहली बार आई तुम सिमरन को ऐसे करोगे कह के ले ली सिमरन को और ऊपर से हमारी जो लड़की है वो तो मेरे से गुस्सा ही हो गई और जो बंदा जीत भी है उसको भी गुस्सा आ रहा है बताओ यहाँ तो अलग ही है जो दुख है उसको एक जो हारा है वो तो चलो हारा दुख उसको तो दुखी होना लाजमी है लेकिन जो बंदा सेकंड या थर्ड नंबर पे आया है वो भी मतलब उसको लग रहा है कि वो हार ही गया है आना तो फर्स्ट ईयर मतलब सेकंड थर्ड की कोई वैल्यू नहीं है ना। अभी कीर्ति को दूसरे और तीसरे की कोई कदर नहीं होती हमेशा पहले की होती है और जो फर्स्ट आते हैं क्लास में पहली पहली बार चीज छोड़ो जो पहली बार फर्स्ट मतलब फर्स्ट आते हैं जो क्लास में और वो कुछ नहीं बन पाते उनकी क्या वैल्यू रह जाती है और जो फेलियर आईएएस बन जाते हैं उनका क्या होता है फिर बताओ वो फर्स्ट आते हैं तभी तो आईएएस बनते हैं आईएएस नहीं बने तुम समझे बैक बेंचर्स आईएएस के पेपर में तो फर्स्ट आते हैं तभी तो बनते हैं आईएएस उसमें भी कौन सी रैंकिंग आती है ना फर्स्ट ही आएगा तो ही आईएएस बनेगा तो गाइस यहाँ पे बात ये हुई है गाइस यहाँ पे चलती जा रही है लोग आईएएस आईपीएस बन के रहेंगे आज हम उनो में हम कमिश्नर बन चुके हैं आज हमने खेले पूरे दो गेम जिसमें से एक विनर है कीर्ति और सेकंड में विनर है रिचा बाकी मैं तो मजे ले रहा था। ये लड़की बहुत गंदा गेम खेलती है हमारी लड़ाई होती है अक्सर इसी बात पे जैसे आप क्लस्ट हो ना मैं से ऐसी क्लस्ट हूँ
मैं इतना गंदा खिलाती हूँ कि हमारे कार्ड फट जाते हैं, टुकड़ों में फटते हैं। मैं कह रही हूँ पास्ता खाना। ये कौन सा टाइम का पास्ता है? 3 बजे सुबह के 3 बजे बिग बॉस के घर में तुम कुछ खाना चाहती हो? नहीं भाई, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही है? नहीं, मेरे पास यो-यो पिज्जा भी है। यो-यो पिज्जा? यो-यो पिज्जा अच्छा है। यो-यो पिज्जा, यो-यो हार्ड सिंगल। यार आज पिज्जा खाने वाले थे ना वहाँ पे, स्मैश में भी बोला था पिज्जा खाने, वहाँ नहीं मिला था ना पिज्जा, हम जीत नहीं पा रहे इसलिए, क्योंकि हमने मैंने बोला था गोला सिज़लर चले जाएंगे, फिर उसके बाद हम गए क्यों नहीं थे, हम खाए क्यों नहीं हमने कुछ। ये अभी एक बात सुनो, मैं वो लेट इसलिए हुई क्योंकि मैं वहाँ के सारे गेम की वीडियो भी तो निकाल के लेके आई ना, कि ताकि तुम लोग वापस वहाँ लेके जा सकू। अभी तो पहले आज गेम खेल लिया हमने, जो आपने देखा था भाई, पहले 10,000 का गेम खेला और उसकी जगह हम क्या लाए, 20,000 का गेम खेला हमने, हमने 20,000 10 में 20 मिला ना, हम अमाउंट की बात कर रहे हैं। सोचो हमने 10 होगी 10,000, एक मिनट फिर भी हमने पे किया 10,000 जिसके हमें 20,000 रुपए मिले, मतलब पॉइंट्स जो भी, और हमने जीरो कर दिया, और हमने जीरो कर दिया बिल्कुल नील, और वहां से हमने उठाया चार टॉयज, और हमने 10,000 में क्या जीता है मैं आपको दिखा दूंगी, चन्ने मैंने 5 टॉयज बर्गर, 2 मॉकटेल प्लस 4 टेडी बियर्स, 5 उस जगह से 5 लाए हैं, कैसे लाई हो, कैसे नानू दिखा, उधर दिखाओ दिखाओ गाइस वहाँ पे ना एक लड़की नानू और कीर्ति पे फुल लाइन मार दी थी भाई, हम क्लस गई, मैं तो क्लस गई, फिर तुम तो क्लस गई क्योंकि ये लोग हम पे ध्यान ना देख के, मतलब हमारे साथ ना रह के उस लड़की के आगे पीछे लगे पड़े थे, हम लगे पड़े थे उनके पीछे। अरे मतलब एक बात, अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तो तुम थोड़ा बोल सकते हो ना, घूमने के मम्मी यहाँ छेड़ रही, उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो फिर हमारे पीछे पीछे आ गई, यस कर ली, प्यार हो गया था दूसरी जगह खेला, वो हमने दिखाया नहीं, हमने कहाँ खेला, वो हमने फिर फन सिटी खेल लिया, हमने कुल मिला 13,000, वो पानी वाला भी इतना बढ़िया था ना, वो गन से पानी वाला, स्क्रॉल कर ले फिर तेको नींद आ जाएगी थोड़ी देर में, ऐसा ही होता है, खाना ऑर्डर कर रही है, देख रही क्या मिलेगा, लग रही है पिज्जा खा ले, दाल चावल 10 बजे खुलेगा बाबू, तो क्या मंगा रही है पर तू द बर्गर क्लब खाओगे आप, और तो सुबह 3 बजे तेरे को बर्गर क्लब खाने हैं, मर गया मैंने बर्गर ही तो दिया था जो जीतते हुए थो, अरे मैं खाकर आई थी, रख लेती रात में उस टाइम काम आता, पिज्जा खा लेते हैं बाबू, बाबू बाबू ए बाबू ए बाबू, देखो मैं मंगा देती हूँ आप लोगों के लिए, ये वाला खाया है आपने, बोल का नो, हाँ क्या बहुत ही गंदा, इतनी गंदी सी खांसी, मेरा ऐसा हो गया कि इनके बोल का नो, इसने ऐसे बोला जैसे इसके मुंह में चला गया हो भाई, ऐसे लगा इसके पैर पे अभी कड़ी सी छापेंगी, 1500-1600 रुपए वेस्ट किया होगा बोल का नो, में डेढ़ या 2 दिन से खाना नहीं खाया था मैंने, इतना बड़ा मंगवाया, नानू मेरे 2 दिन तक तबीयत खराब रही है, इन लोगों ने बहुत बुरा बना के दिया होगा, वहाँ पे तो बड़ा अच्छा मार्गरेटा पिज्जा खा लो जिसमें कुछ नहीं होता, हाँ। ब्रेड पे चीज लगा के दे देते, गरमे लगा लो, हाँ। तो फिर बाबू ऐसे करो आप, बाबू बोलो सिमरन, बाबू बोलो आप पिला दो, अनियन वाला खा लो, जूस पिला दो आप इसे, मौसमी वाला अचारी दो, प्यारा प्याजा अचारी दो, प्यारी प्यारा अचारी दो, प्याजा पिज्जा,
अचारी तो प्यारा पिज्जा नहीं खाना, इडली सांभर खाऊंगी। अरे यार रात के आलू पराठा बस कोई मेरे को ले ले पड़ रहा है। देखो ऐसे यार बड़ा बड़ा इसको राजमा चावल खाने दे क्यों? तुझे क्या हुआ? मैं बैठ जाती हूं ना इतना। तुझे क्या हुआ भाई? खाना देख के मेरे को ऐसा हो गया। बाबू को देखो तो खाना नहीं है, इसको राजमा चावल खाना है। तुझे तो खाना नहीं है ना? नहीं नहीं मैं खाऊंगा राजमा नहीं दूंगी, सिर्फ चावल दूंगी खाने। मैं तुम्हें मंगवा के देती हूँ, मैं तुम्हें ऐड कर देती हूँ, पेमेंट तुम खुद कर लेना। पिज्जा का कैसा है पिज्जा? हाँ देख ले। ओवन स्टोरी का कैसा है? बोबा भैया से कर लो आप। बोबा मैं कॉफी नहीं है हमका पीनी है, पीनी है हमका पीनी है। बताओ ना हो गया इसका, हो गया है क्या? दोनों ने कड़ी चावल मंगा ले। आए आए कड़ी तुम बना लेना ना कल सुबह उठते ही 8 बजे की रसोई में घुस जाना। दही भी पड़ी है, दूध भी है। अच्छा दूध क्या, दूध को बनाते हैं कड़ी? और बोल ऐसे भी एवी की किचन में अभी तक कुछ रेसिपी आई नहीं है, तो यहीं से चालू करो। नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास पड़ी है, मैं डाल दूंगी। रात को व्लॉग एंड करना भूल गए थे, मतलब भूल क्या गए, ऑलरेडी लेट हो गया था इतना ज्यादा। तो ले लो, नहीं तेरे को नहीं दिया, मैं खुद एंड कर लूंगी। ऐसे थोड़ी होता है, मैं खुद एंड कर लूंगी अपने आप। सिमरन करेगी एंड। सो गाइस रात को हम एंड करना एक्चुअली भूल गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे उन्होंने खेल के। उसके बाद कुछ चीजें ये थी कि हमें आए अभी इसलिए क्योंकि एंड करना था पहली बात। दूसरा हमें आपको थैंक यू बोलना था आपके सुपर थैंक्स के लिए, जो कि हर्षदा ने हमें कल के व्लॉग पे सुपर थैंक्स भेजा, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू निशिता। ओके तो और निशिता के लिए भी, निशिता ने भी हमें सुपर थैंक्स भेजा, तो थैंक यू निशिता, थैंक यू, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। और बस अभी ऐसे ही आपका प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहें और हम अपने अच्छे अच्छे वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। उसके लिए आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे है सारा लिंक। टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू यू, गिची गिची गुसे, आई लव यू, गिची गिची गुसे, आई लव यू, बाय टू यू गाइस। जूस पिला दो, जूस पिला दो, मौसमी का आ है मेरा, बाय।